बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के हो हल्ले के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के पास फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कार्रवाई करने के योग्य हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। रेड्डी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान NCB को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें फिल्म उद्योग के लोगों और मादक पदार्थ तस्करों के बीच मिलीभगत का खुलासा हो। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि NCB की मुंबई टीम ने 28 अगस्त 2020 को एक मामला दर्ज किया था। इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि संसद में पहले BJP सांसद रवि किशन ने आरोप लगाया था कि बॉलीवुड ड्रग्स की लत का शिकार है। उसके बाद सपा सांसद जया बच्चन ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है।